केंद्र सरकार ने चौथे टीका मॉडर्ना को देश में आपात इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की कमी को देखते हुए सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी। समाचार विस्तार से। देश में कोरोना का चौथा टीका मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के देश में आपात इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय कंपनी सिप्ला मॉडर्ना के टीके का आयात करेगी और देश भर में उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना चार टीके उपलब्ध हैं और सरकार जल्द ही फाइजर टीके के बारे में अनुबंध करेगी। उन्होंने बताया कि चारों टीके स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। You know, today it's important for us to say that a regulatory step has been taken, clarified, clear, and this opens pathways for import in technically any of the modalities that you are referring to. Let's wait and see how this opportunity is to be used and will be used for importing vaccines into our country. Iska 7 months tak jo storage hai, wo -25 se -15 tak hota hai. तो आप ये 20 डिग्रीज ले लीजिए। सो मीडियम टर्म स्टोरेज इज एट -20, द रेंज बीइंग -25 to -15। अगर एक अनओपन वैक्सीन की वायल है उसको 2 से 8 डिग्री तक, मतलब नॉर्मल कोल्ड चेन में अगर रखें तो ये हम 30 दिन तक ऐसे रख सकते हैं। ओके, सो 7 month स्टोरेज लॉन्ग टर्म -20 एंड नॉर्मल कोल्ड चेन कंडीशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज जो है ये इसकी नॉर्म है। इसकी 2 डोजेज हैं और इन 2 डोजेज को 4 वीक्स अपार्ट दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले में 31 जुलाई तक केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करते हुए अप्रवासी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को राशन और भोजन सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश दिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कोरोना महामारी के दौरान अप्रवासी मजदूरों की दिक्कतों के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना जरूरी है, इसे लागू करना राज्यों का दायित्व है। कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधियाचना के बाद आपदा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि बिहार से बाहर मरने वाले राज्यवासी के परिजन यह लाभ नहीं ले पाएंगे। आपदा प्रबंधन ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि राज्य के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जो राज्य के वासी भी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष से अभी तक 3,737 आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष जो भी आवेदन होंगे उनका निपटारा आपदा विभाग से किया जाएगा। सरकार ने कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण का कार्य कर रही है। इस कड़ी में नवादा सदर प्रखंड के भदौनी गांव में टीकाकरण करने के लिए टीका रथ पहुंचा। इस अवसर पर महिला स्वास्थ्य कर्मी दरवाजे पर जाकर लोगों को पंपलेट के माध्यम से टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रेरित करने का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। सुदूर इलाकों में आम लोग निःशुल्क टीकाकरण करा रहे हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। इस अवसर पर यूनिसेफ के पदाधिकारी वाहिद हुसैन ने बताया कि टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
अंदर से पहला करके स्वास्थ्य डालते हो उंगला तुम्हारे ले लेना, एक भगवानी भी हो रहा है पूरा तरह 45 प्लस महिला लक्ष्मी जी का कोठरी में जाने पड़ता था हॉस्पिटल में, लेकिन हम नहीं जा सकते थे, घर पर आकर देने लगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री को। लोग जितने भी थे स्त्री पुरुष सब सदर अस्पताल या तो जो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से डर रहे थे, सदर अस्पताल जाने से डर रहे थे, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि डोर टू डोर जा करके वैक्सीनेशन का काम चालू किया। इसके लिए मैं आभार हूँ, प्रधानमंत्री का आभार हूँ, सरकार का आभार हूँ, स्वास्थ्य विभाग का आभार हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की कमी को देखते हुए त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियों के चुनाव अलग अलग तरीके से कराने की तैयारी शुरू कर दी है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का चुनाव ईवीएम से होगा, वहीं ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच का मतदान बैलेट पेपर से कराने जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत पंचायत चुनाव 27 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज्य विभाग और राज्य मंत्री परिषद से स्वीकृति मिलने के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर तक 198.78 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77.42 लाख मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पटना के रूपसपुर इलाके में मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से आम जनता काफी खुश है। लाभार्थियों का कहना है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से उनके रोजगार पर असर पड़ा था, सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से काफी राहत मिला है। हम लोग की गरीबी दूर हुआ कोरोना में, हम लोग के दिक्कत हुआ कि मतलब हम लोग कहीं ना कमाने जाएंगे ना कुछ करेंगे, राशन मिला तो हम लोग के महीना भर के राशन घर में हो गया। बहुत खुश है इस कोरोना महामारी में, हर घर को चावल और गेहूं दोनों वितरण हो रही है, 5 केजी केंद्र सरकार से और 5 केजी राज्य सरकार से। इसमें पर यूनिट 5 केजी होती है, इसमें से 5 केजी केंद्र हुआ, 5 केजी राज्य सरकार हुआ। जो हर व्यक्ति के घर में किसी के घर में 5 यूनिट है, किसी के घर में 10 यूनिट है, तो लोगों का हर घर में जाकर घर घर में पहुंचती है राशन। हम लोग तो बेरोजगार अभी हैं, बैठल अभी तो मिला, 2 मंथ का अथी मिला, राशन मिला तो हम लोग का तो बहुत राहत हुआ है। पटना में कल एसटीईटी पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास को घेरने का प्रयास किया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बयान जारी कर कहा है कि नियुक्तियों को लेकर छात्रों के बीच कोई गलत जानकारी देकर भ्रम फैला रहा है, राज्य सरकार उनके हित और भविष्य को देखते हुए शीघ्र ही फैसला लेगी। सही बात यही है कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है और सबके साथ न्याय हो रहा है। और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो, सरकार उनके हित उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार घोटाले की सरकार है जो अपना हक मांगने पर छात्रों का दमन करती है।
और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पर तुम्हें हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। रिजल्ट में आपने भी देखा होगा सनी लियोनी टॉप की मलयालम की एक हीरोइन है, उसको भी इन लोगों ने पास करा दिया। इतनी बड़ी धांधली है, जांच कोई नहीं हो रहा। ये सरकार एकदम बेशरम हो चुकी है। जनता से नीतीश कुमार जी को कुछ लेना नहीं है। जो शेष जीवन जो बचा हुआ है वो चाहते हैं कि उनका शेष जीवन जो है अच्छे से निकले। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। मौसम विभाग ने 30 जून से 2 जुलाई तक उत्तर बिहार में विशेषकर हिमालय की तराई वाले इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मानसून का ट्रम्फ लाइन अब उत्तर बिहार की तरफ शिफ्ट हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी और मध्य बिहार में भी लगातार बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कल 11 लोगों की मौत हो गई थी। वज्रपात से पूर्वी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3, बाढ़ में 2, नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी सोमवार को विश्व रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर काबिज हो गई। रांची की रहने वाली इस 27 साल के खिलाड़ी ने तीरंदाजी के तीनों स्पर्धाओं में क्रमशः व्यक्तिगत, टीम और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारी वास्तविक सफलता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों और विचारों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.09% हो गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉकडाउन प्रतिबंधों से सावधानी पूर्वक राहत देने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व में गरीबी, भूखमरी और बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में कोरोना से असर पड़ा है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में 190 नए मरीजों की पहचान की गई। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरणों में होगा पंचायत चुनाव। ईवीएम का उपयोग चरणवार तरीके से किया जाएगा। राजद के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में तेजस्वी सहित कई वरीय नेता शामिल हुए। गोपालगंज की डोमरिया घाट स्थित गंडक नदी पर बना रिवर फ्रंट लोगों के लिए आस्था और पर्यटन का केंद्र बन गया है। मुजफ्फरपुर में चिकित्सक डॉक्टर काफिर खान ने कहा कि कोरोना का टीका मधुमेह, उच्च रक्तचाप मरीजों सहित सभी को लेना आवश्यक है।
और जाने से पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चौथे टीका मॉडर्ना को देश में आपात इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का आदेश दिया। कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। और राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की कमी को देखते हुए सरपंच और पंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराने का निर्णय लिया।